मेरा नाम डॉक्टर शहजाद आलम शाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, जिसके साथ अटैच्ड हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है। प्राइवेटली मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। स्पेशलिटी मेरी एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। जिन लोगों को मालूम नहीं कि एडवांस जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो क्या चीज़ होती है, इसके अंदर कन्वेंशनल सर्जरी के नस्बत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कैमरे की मदद से ऑपरेशन किए जाते हैं। जो कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स हैं उनमें गॉल ब्लैडर सर्जरीज है, हर्निया सर्जरीज है और आंतों की जिसमें इंटेस्टाइनल सर्जरीज भी कहा जाता है। लेकिन मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो बेरियाटिक सर्जरी में है। बेरियाटिक सर्जरी बेसिकली वेट लॉस सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी कहा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं और उनका वेट डाइट या एक्सरसाइज के ज़रिए कम नहीं हो सकता, या वो कोमॉर्बिड फैक्टर्स शामिल होते हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की शिकायत होती है, तो उनके अंदर हम बेरियाटिक सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद होती है। जो वेट लॉस सर्जरी है इसके अंदर बेशुमार किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जो कॉमनली ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके अंदर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास प्रोसीजर्स पेशेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को गैस्ट्रिक स्लीव भी कहा जाता है, और गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशंस के अंदर हम स्टमक के साइज को तकरीबन 70-80% छोटा कर देते हैं, जिसमें स्टमक जो है वो एक ट्यूब की शक्ल में रह जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत कम भूख लगती है और बहुत तेज़ी से वेट रिड्यूस होता है। जिन लोगों का BMI 35 या इससे ज़्यादा होता है, और BMI कैलकुलेट करने का तरीका वेट और हाइट को मद्देनज़र रख कर किया जाता है, और इन पेशेंट्स के अंदर तकरीबन 6 माह से 1.5 साल तक बॉडी का 70-80% वेट रिड्यूस हो जाता है, और इनको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिड फैक्टर्स और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को और जॉइंट्स पेंस को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। बेरियाटिक सर्जरी के अंदर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और वेट लॉस सर्जरी की जो बाकी ऑप्शंस हैं, जिसमें बाईपास प्रोसीजर्स भी शामिल हैं, पेशेंट्स के BMI को देख के और पेशेंट के लाइफस्टाइल को देख कर और पेशेंट्स के साथ डिस्कशंस करके हम प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। और एक मरतबा जब पेशेंट्स इन प्रोसीजर्स को करवा लेते हैं तो उसके बाद उनको डाइट को फिर भी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फवायद ऑपरेशंस के कम से कम टाइम में हासिल किए जा सके, और उनकी वजह से जो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और इसके अलावा उन पेशेंट्स में जिनमें थायराइड के डिजीज़ हैं उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है, उन ख़वातीन के लिए जिनकी प्रेगनेंसी और कंसेप्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं या कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बेरियाटिक सर्जरी का, और इस वक्त पॉपुलर क्योंकि इन सारी फवायद की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड बेरियाटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। मुझसे राबता करने के लिए आप मरहम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।